नंबर 26 12 बाले 51 रन अभी भी दरकार है अटक की टीम को यह मैच जीतने के लिए। मुनीब टेलर वंस अगेन आए हैं जी बॉलिंग के लिए दोबारा और पहली बॉल पर खेला है शॉट 6 रन के लिए। ग्राउंड में जितने भी लोग हैं खोजो फरमाएं। 11 बाले 55 रन 45 टीम हमसे जुदा हो रही है ता किया जा रहा है जी। मैच की सूरत हाल बड़ी थोड़ा गंभीर है। मैं चाहूंगा ये गेंदें कुछ अब देख ले उसके बाद हम आपसे भी बात करेंगे। और टेलर अगेन आउटसाइड ऑफ स्टंप जाने दिया था बॉल को और का ख्याल था कि शायद वाइड बॉल है लेकिन ऐसा नहीं है। बॉल को संभाल नहीं पाए वहीद वाइड बॉल का इशारा जरूर है। 2 रन का इजाफा वाइड बॉल जी वाइड बॉल का इशारा जी 43 फ्रॉम 11 क्लोज 11 बॉले 43 रन बाकी रह गए जी 11 बॉले 43 रन के बाद जो ओवर है मेरा ख्याल है सनम इकबाल ओवर करेंगे। रिजवान शाह साहब भी यहां पर मौजूद अपनी टीम को लेकर 11 बॉले 43 रन बाकी। और जाते जाते मैं इनसे इनका मैसेज जरूर लेना चाहूंगा कि हमारा ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा एटमॉस्फेयर। और इस दफा जो है नहीं क्रैक्शन कर पाए अच्छी तरह से मिड विकेट पर बॉल सदर अली के हाथों में सीधा 10 बॉले 42 रन बाकी 10 बॉले 42 रन। जो लूज करेगी वो वहां पर मैच खेलेगी क्योंकि जो टीम जीत जाएगी वो सेमीफाइनल अपना पूल टॉप कर जाएगी और पहली पोजीशन पर आएगी। टेलर इस दफा शॉट खेला है गैप शॉट है सनी सुंदर बॉल के पास भागते हुए लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन की सूरत में 9 बॉले 38 रन बाकी। अच्छी बॉलिंग करते हैं और इससे पहले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी 29 नंबर शेयर पहन रखी है। राउंड द स्टंप्स शॉट ऑफ लेंथ लहराता हुआ बॉल तैरता हुआ बॉल वाइड बॉल गिवन पाए दम पाए वन बाउंस का इशारा भी आ जी वाइड बॉल का इशारा वाइड इसको जाने भी शेयर दी चांस भी दे दिया गया है वन बाउंस। और तो गुजरात बॉम्ब का बड़ा चकवाल होगा कल सेमीफाइनल मैच और जो टीम फिर नेक्स्ट मैच में जीतेगी वो खेलेगी गुजरांवाला के साथ कल मैच। ओ साकिशा अभी पकड़ लिया क्या साकिशा ने साकिशा के सीधा हाथों में बॉल गया लेकिन साकिशा का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है ऐसे कैचेस मैं अक्सर पकड़ लेता हूँ। पेश करूंगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन और शानदार इवेंट जो है मुनक्कद किया और उसके बाद जो है मैं ये जिक्र करना जरूर समझूंगा कि इंडिया ने गुजरात के लिए कि लोगों ने जिस तरह हमारे साथ जो है ताउन किया हमें सपोर्ट किया हमारे लिए जो है हमदर्दी रखी उसका जो है मैं नो बॉल गिवन बाय दम पाए नो बॉल जो इन लोगों ने हमें मोहब्बत दी और हमारी खिदमत की उसका मैं हमेशा जो है एहसानमंद रहूंगा। और मैं एक पैगाम जरूर देना चाहूंगा कि हम यहाँ 4-5 दफा पंजाब में आ चुके हैं लेकिन यहाँ की कोई टीम भी जो है वहाँ क्वेटा नहीं आती है। अगर कोई 8 गेंदे 34 मैच तो करीब आ गया वाइड बॉल वाइड बॉल का इशारा जी 8 बॉल 33 रन रह गया जी बाकी 8 बॉल 33 रन। थैंक यू। अभी एक भाई है तो वो मेरा ख्याल है कुछ कादर साहब लाल अकील इफ्तिखार बरलास यहाँ पर आ गए हैं बरलास स्पोर्ट्स धूरिया। नो बॉल ओ व्हाट अ शॉट 6 रन के लिए अंपायर का इशारा फिर नो बॉल जनाब बगैर किसी बॉल के 7 रन मिल गए हैं जी। सलमान स्पोर्ट्स का बल्ला है जी इनके हाथों में सलमान स्पोर्ट्स खारिया का जी जनाब सेकंड नो बॉल थी बिमर था बॉलर चेंज होगा यहां पर और व्यास वैसी लेफ्टी के हाथों में बॉल जो है वो थमा दिया गया है। 2 गेंदे जो है मेरे हाल में एक बॉल 2 गेंदा नहीं है 2 बॉल जो है अभी बाकी है फ्री हिट भी बरकरार है 25 रन मेरे हाल में बाकी रह गए हैं। 12 गेंदे 43 कहां और 8 गेंदे सिर्फ 26 रन और फ्री हिट भी बरकरार 2 गेंदे भी बरकरार सामने बैट्समैन बिल्कुल तैनात है सलमान स्पोर्ट्स का बल्ला हाथों में थमाए हुए और क्या बात है 6 नंबर 3 20 रन बाकी रह गए हैं गुजरात लाइन से गुजरात की टीम से यह मैच निकलता हुआ गुजरात के हाथों से यह मैच। भाई नाम क्या आपका? नवाब फ्रॉम अटक नाम है जी नवाब और आते ही जो है बैटिंग भी की डू एंड डाई सिचुएशन का 7 गेंदे 20 रन दरकार गुजरात की नैया लड़खड़ाती हुई और अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा यहां पर 7 गेंदे 18 रन लंबा ओवर तकरीर हो गई 7 बॉले 18 रन चले गए ओवर शुरू हुआ था तकरीबन 50 मिनट का भी अभी तक खत्म नहीं हो रहा 7 गेंदे रन रह गए 18 बाकी क्या कहते हैं आप कौन सी टीम ये मैच जीतेगी जाएगी सेमीफाइनल में एक एक कमेंट कर रहे हैं गुजरात के अटक विवी को 33 रन आ गए इस ओवर में अटक के
33 रन बन चुके हैं 5 बालों में अभी तक टेलर के सवर में। और ओ बोल्ड कर दिया यहाँ पर व्यासी लेफ्टी ने, 6 गेंदे 18 रन बाकी, फेस करेंगे नवाब स्पोर्ट्स खानिया का बल्ला इनके हाथों में, 6 गेंदे 18 रन। वैजी भाई कह रहे हैं जी इंशाल्लाह गुजरात, काशिम मलिक साहब ने गेंद ज्वाइन, सलाम इकबाल के हाथों में बाल है जी, सामने है नवाब फ्रॉम अटक, समीर बाबी भी, समीर जी भी गुजरात को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा बाल किया पेस के साथ और शायद अजीम काका के हाथों में बाल गया जी, रन बनेगा ओनली वन, 5 गेंदे 17 रन, सनम इकबाल कैप्टन है, देखना पड़ेगा क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि अगर यहां से जीतते हैं तो डायरेक्ट सेमीफाइनल मैच में जाएंगे, लेकिन यहां से हारते हैं तो फिर नॉकआउट मैच खेलना पड़ जाएगा पिंडी की टीम के साथ, अगर वो मैच हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर, यहां से जो भी टीम पुल टॉप करेगी वो खेलेगी कल शान ए पाकिस्तान फोरम चकवाल की टीम के साथ, 5 गेंदे 17 रन, कुर्सी संभालने की लड़ाई, ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल करने के लिए जद्दोजहद, कश्मकश, 5 गेंदे 17 रन, संभाला बॉल को, ड्राइविंग सीट पर बैठे, शॉट खेला है अष्टक ओवर के जाना, फास्ट मसल लेफ्ट फील्डर तैनात, रन बनेगा जी, 4 गेंदे 16 रन, 2 बालों पर दोनों सिंगल, सलाम इकबाल पूरी पेस के साथ बॉलिंग करते हुए जी, सलाम इकबाल 4000 लोग अगर नहीं किया हुआ फॉलो, जो सामने बैटिंग कर रहा है क्यों है, जो भी नाम है कमाल की बैटिंग की आपने, सनसे नवाब आपने, कमाल सनम इकबाल, अच्छा बॉल बाहर की जानिब कर हुआ, और वहां पर जो है वहां पर फारूक है, और जो एंड चेंज करना चाहते थे वो तो कर लिया, विकेट सैक्रिफाइस, सिंगल बनिया यहां पर जी, 3 गेंदे 15 रन बाकी, जो वो खिलाड़ी है शाहजी देने वाला 15 रेड शर्ट कह लेते हैं, अच्छा जी एक और बन गया, 3 गेंदे 15 रन बाकी, 3 गेंदे 15 रन बाकी, मतलब ये है कि अब दो दफा गेंद को उठाकर बाहर फेंकना जरूरी हो गया है, अगर नो बॉल, 3 बॉलें 15 रन बाकी रह गए हैं जी ये मैच विन करने के लिए टीम अटक को, तालियां सलाम के लिए, रिजल्ट आना, अगर बात की जाए क्राउड की तो दमादम मस्कल अंदर क्राउड है, पूरा हाउस फुल, रोड के ऊपर बाइक्स ही बाइक्स, लोग खड़े हैं गाड़ियां मोटरसाइकिल लेकर, ग्राउंड के नीचे जो है लोग बैठे हुए बिल्कुल कैंप्स में, जबरदस्त मैच जा रही है, 3 गेंदे 15 ये बॉल पर मैच है सारा, देखते हैं जी क्या होता है, अगर डॉट होती है तो मैच जीत जाएगी गुजरात, अगर लगती है बाउंड्री तो और इंटरेस्टिंग मैच हो जाएगा, 4.2 के व्यूवर्स आपके लिए यही पे काम है इस मैच को छोड़ने के बाद, क्योंकि अभी जो है बिल्कुल नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो जाएगा इस मैच के फौरन बाद, अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ कर ले फॉलो, क्योंकि दो टीमें तो कंफर्म है कल, गुजरांवाला और सियालकोट, एक टीम इस मैच के बाद भी कंफर्म हो जाएगी, या गुजरात या अटक तीसरी और चौथी नेक्स्ट मैच में कंफर्म हो जाएगी कि कल 4 टीमें कौन सी जो है आपस में टकराएंगी, सलाम इकबाल और शॉट खेला है, ओ माय गॉडनेस, 4 रन, नवाब ऑन फायर, 2 गेंदे 11 रन बाकी, नवाब खान है नाम इनका, अटक से बिलोंग करते हैं, 3 छक्के 1 चौका लगाने में कामयाब, अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हो यहाँ पर, 2 गेंदे 11, टीम कैप्टन गुजरात सलाम इकबाल दौड़ पड़े हैं जी, ओ माय गॉडनेस 6 रन, व्हाट अ इनिंग्स बाय नवाब खान, ओ माय गॉडनेस व्हाट अ सच बैटिंग, क्या बात है यार, दिस इज नवाब खान फ्रॉम अटक, क्रिकेट में जान डाल के रख दी है नवाब खान ने, 4 छक्के 1 चौका लगाने में कामयाब, कहना पड़ेगा यहाँ पर नवाब खान यू ब्यूटी, 1 बॉल 5 रन बाकी, 4 छक्के 1 चौका लगाने में कामयाब नवाब खान फ्रॉम अटक, कोई चाहने वाला नहीं है नवाब खान का यहाँ पर ग्राउंड में, कोई चाहने वाला नहीं है, बजाए तालियां अटक वालों, आप ही बजा दो, क्या बात है ऐसी कितना पहली दफा ये भी नौजवान अटक से सरजमीन गुजरात पर जो है बिल्कुल यहाँ पर वसीम अकरम टेबाल ने टैलेंट को कैच जो है वो कैच करता हुआ वसीम अकरम टेबाल एक दफा फिर दुनिया देख रही है शानदार बल्लेबाज की बैटिंग को नाम है नवाब खान बड़ा नाम नवाब खान देखते हैं क्या होता है जी सलाम इकबाल ओ माय गॉडनेस वाइड बॉल अंपायर किमन वाइट बॉल किमन पाए अंपायर एक बॉल 4 रन
चौका लगता है तो मैच जीत जाएगा, अगर छक्का लगाता है फिर भी जीत जाएगा, लेकिन अगर बॉल डॉट करता है तो जीत जाएगा गुजरात। सनम इकबाल नो अबाउट दैट, एक्सपीरियंस है, ऑल पाकिस्तान खेले हुए हैं, लेकिन इन फॉर्म बैट्समैन बिल्कुल सामने है नवाब खान, क्या बात है यार, आउटस्टैंडिंग। ये वोटिंग है, जिन लोगों का ये ख्याल है कि ये रन्स नहीं बनेंगे, तालियां बजाकर बताएं जरा। अच्छा, कुछ लोगों ने दोनों ही दफा तालियां बजाई। चले जी, एक बार चार, ओ माय गॉडनेस, मैच जितवा दिया, यहाँ पर छक्का लगा दिया सनम इकबाल को, नवाब खान यू ब्यूटी, व्हाट अ बैटिंग बाय नवाब खान, पांच छक्के दो चौके लगाकर अपनी अटकी टीम को पहुंचा दिया सेमीफाइनल मैच में। गुजरात का मैच पड़ गया है रावलपिंडी के साथ, क्या बात है, ये है टैलेंट, ये है टैलेंट, आज टैलेंट को कैच किया है यहाँ पर नवाब वसीम अकरम टेबल के, इस कैमरे ने दुनिया ने देख लिया है, ये होती है क्रिकेट, कहते हैं बाई चांस गेम का नाम है क्रिकेट। नवाब खान यू ब्यूटी, व्हाट अ प्ले, भाई पिक्चर बैट के नाल पिक्चर बना लो। ओके जनाब, नया मैच में हुआ लगा, तो होती है गुजरात बॉम्ब कबरा रावलपिंडी नॉकआउट मैच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फॉलो कर लें हमें जल्दी के साथ। Subscribe Cricket Expert channel and press bell icon to get latest cricket updates daily.